नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज की एक और प्रस्तुति में। कलाभवन शजोन जो है वो मेरे ख्याल से एक बहुत संपूर्ण कलाकार बन चुके हैं। अब शुरुआत की थी उन्होंने कॉमेडियन के तौर पे, फिर कैरेक्टर रोल्स हैंडल करना स्टार्ट किया उन्होंने, बहुत तेज़ी से उसमें ट्रांजिशन किया था। उसके बाद फिर भी ऐसा नहीं किया कि कैरेक्टर रोल में आने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब मैं बहुत डिग्निफाइड रोल्स करूंगा, मैं अब हंसाने का काम बंद कर देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। वो हंसाते गए, आज तक हंसाते आ रहे हैं हमको, और अब तो करीब करीब जो है 2 दशकों से वो मलयालम सिनेमा में काम कर रहे हैं। कई बार तो आप उनकी अगर एकदम पुरानी फिल्में उठा ले तो उनके आज के स्वरूप और तब के स्वरूप को पहचान भी नहीं पाएंगे आप, यदि आप ये पता न रहो आपको कि ये सेम कलाकार काम कर रहा है। अब जो है शजोन डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, वो पृथ्वीराज के साथ मिलकर के एक फिल्म बना रहे हैं, और ये बहुत दिनों से इनके अंदर इच्छा थी कि ये फिल्म बनाई। ये फिल्म एक्चुअली 2016 में पृथ्वीराज के साथ इन्होंने डिस्कस की थी, और ये जो है तब से लेकर के अभी तक ये फिल्म ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, क्योंकि पृथ्वीराज के पास कभी समय नहीं होता था, कभी इनके पास नहीं होता था। अब जो है ये फिल्म जिसका नाम रखा जा रहा है ब्रदर्स डे, उसके में काम स्टार्ट हो रहा है। पृथ्वीराज सुकुमारन जो है हीरो बनेंगे इसमें। ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म होगी, जैसा कि आप आशा करते हैं शजोन के साथ, कि वो थोड़े से जोक्स, थोड़ा रोमांस, थोड़ा थ्रिल, सारी चीज़ें डालेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वो देख चुके हैं। बहुत संपूर्ण कलाकार हैं वो, उनका जो सिनेमैटिक सेंस है, उनका जो हिस्ट्री ऑफ सिनेमा है, उनका जो काम करने का वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक रिच बैकग्राउंड है उनका एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, एज ए आर्टिस्ट। वो उस समय जो है 2016 में जब सुनाई गई थी ये कहानी पृथ्वी को, उस समय पृथ्वी बहुत ज़्यादा उनके पास समय नहीं था, लेकिन पृथ्वी ने उस समय एक चीज़ बहुत साफ कही थी इनको कि भाई शजोन एक काम करो कि अगर जो है इस फिल्म को बनाना है तो डायरेक्ट तुम ही करो, किसी और को डायरेक्ट मत करने दो। पहले शजोन चाहते थे कोई और डायरेक्ट करे उनको, लेकिन इस फिल्म को फाइनली जो है शजोन ने कहा कि जब वो कह रहे हैं, उनको कुछ पता चल रहा होगा, पृथ्वी को तभी बोल रहे हैं, तो उन्होंने जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बारे में सोचा। हालांकि वो ये फिल्म जिस समय बना रहे थे उस समय भी बहुत मुश्किलों से ये स्क्रिप्ट तैयार की थी उन्होंने। 2013 में दृश्य में बिजी थे, उसी समय जो है वो जो छुट्टियाँ मिलती थी या कभी कभी वक्त मिलता था उसमें वो जो है कर करके इस फिल्म को धीरे धीरे उन्होंने जो है स्क्रिप्ट फिनिश की। अब पृथ्वी जो है वो उनके दिमाग में शुरू से थे इस रोल को लेकर, और उन्होंने ये बात कही है शजोन ने कि आप फिल्म को देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ब्रदर्स डे में पृथ्वी को छोड़कर कोई दूसरा कलाकार क्यों नहीं हो सकता था। जहाँ तक सवाल उठता है, इस फिल्म में 4 हीरोइनें होंगी जो कि अभी तक डिसाइड नहीं की गई हैं, इसके अलावा जो अन्य कलाकार रहेंगे, कैरेक्टर एक्टर्स रहेंगे या जो क्र्यू रहेगा उसके बारे में डिसाइड अभी पूरा नहीं हुआ है। फिल्म 2019 में चूंकि शेड्यूल्ड है स्टार्ट होने के लिए, इसलिए समय है अभी। पृथ्वी जो है अभी लूसीफर के बाद एक और फिल्म करेंगे, उसके बाद इस फिल्म को शुरू करेंगे, तब तक जो है ब्रदर जॉन फिर भी ठंडे बस्ते में ही रहेगी। शजोन जो है एक्टिंग करना जारी रखेंगे, लेकिन वो इसके बाद डायरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस बात का जो है फैसला जनता करेगी। अगर जनता इस फिल्म को पसंद करेगी शजोन डायरेक्ट करेंगे, अन्यथा वो नहीं करेंगे। मैं हूं अनुपम सिन्हा और आप देख रहे हैं टुडेज। धन्यवाद।